हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप, जहाँ पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, हर किसी शो में एक विलन ज़रूर होता है और जब किसी विलन की वापसी होती है तब सबके जुबान पर एक ही सवाल होता है कि अब आखिर इस विलन के रीएंट्री का एंड कब होगा। ऐसा ही कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में, जिसमें अरमान की दोबारा वापसी हुई है और सबके दिमाग में अब यही सवाल चल रहा है कि आखिर अब अरमान का दी एंड कब होगा, क्योंकि जब अरमान का दी एंड होगा तो ऑब्वियसली बात है कि रुद्राक्ष प्रशा का मिलन होगा। बिकॉज यहाँ पर अब लंबे समय तक अगर अरमान का रोल चलता है तो लोगों को डेफिनेटली भारी पड़ने लगेगा और उनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। वैसे तो शो के मेकर्स ने अरमान की वापसी शो में बढ़ती हुई टीआरपी को लेकर के एक्सपेक्ट करके प्लान की थी, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू जो स्टोरी लाइन चल रही है उसमें प्रशा और रुद्राक्ष के बीच का सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा नज़र आ रहा है तो वो है वन एंड ओनली अरमान। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि ऑडियंस की ये जो इच्छा है कब पूरी हो पाती है और कब होगा अरमान का दी एंड। तो दोस्तों, रिसेंटली आ रही खबरों की माने तो सुनने में ये आ रहा है कि अरमान का रोल अभी शो में एक महीने तक तो एटलीस्ट चलने ही वाला है। जी हाँ, अरमान का करेक्टर और रुद्राक्ष और प्रशा की दूरी आपको एक और महीने देखने के लिए मिलेगी और उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ट्विस्ट और टर्न की वजह से अरमान को टाटा बाय बाय कर दिया जाए। लेकिन फॉर श्योर अभी एक महीना तो आपको अरमान की नेगेटिव चालों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का मिलना अभी बाकी है, रुद्राक्ष और प्रशा का। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो अरमान इतनी आसानी से तो जाने नहीं वाला, क्योंकि अरमान करेगा रुद्राक्ष और प्रशा के खिलाफ कोई तगड़ी साजिश, उन दोनों को अलग करने की करेगा पूरी पूरी कोशिश ताकि वो दोनों अलग हो जाएं और एक बार फिर से प्रशा को वो अपना बना पाए। और अभी यहाँ पर रुद्राक्ष और प्रशा को नुकसान पहुंचाने के लिए वो करने वाला है तगड़ी साजिशें, जिसे प्रशा क्या नाकाम होने देगी या फिर सक्सेसफुल होने देगी ये देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग। लेकिन फिलहाल तो ऐसी एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।